आगामी 9 अप्रैल को हम सभी युवा साथियों के द्वारा, सभी नौजवानों के द्वारा, मोतिहारी शहर में जितने भी लोग हैं सबके द्वारा मिल के आगामी 9 अप्रैल को मोतिहारी शहर में टाउन हॉल के फिर से हम लोग जो महाबेरोजगार रैली का जो आयोजन करने जा रहे हैं, इस महाबेरोजगार रैली का उद्देश्य मात्र यह है कि एक बड़े शिक्षा भवन का निर्माण हो, एक बड़े शिक्षा भवन का निर्माण हो। अगर राजा बाजार रोड में एक ऑडिटोरियम का निर्माण हो सकता है जहाँ पर नेता लोग अपना भाषण देगा, बड़े बड़े लोग आके वहाँ पर भाषण देंगे, तो भाषण देने के लिए अगर एक ऑडिटोरियम का उतना बड़ा निर्माण हो सकता है तो यहाँ के छात्र नौजवानों के लिए, किसानों मजदूरों के और जभी दबा कुचला गांव गरीब के जो लड़के हैं जिनके पास साधन का अभाव है, साधन के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पाती है, अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो UPSC और BPSC जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, उसमें सफलता नहीं पाते, तो हम यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय है उनसे और बिहार सरकार से हम मांग करते हैं हम लोग, और उसी मांग को लेकर के आगामी 9 अप्रैल को टाउन हॉल मोतिहारी की मैदान से हम लोग एक महाबेरोजगार रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य मांग हमारा होगा कि मोतिहारी की इस धरती पर एक शिक्षा भवन का निर्माण हो, जहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि MS कॉलेज के फील्ड में, जिला स्कूल के फील्ड में, गांधी मैदान के फील्ड में, PWD के फील्ड में, यहाँ पे नरसिंह बाबा मंदिर के फील्ड में, हर जगह भुइया में लड़का सब बैठ के ग्रुप डिस्कशन करता है, भुइया में बैठ के ग्रुप डिस्कशन करता है। नतीजा यह होता है कि जब बरसात का दिन आता है तो उसका पढ़ाई अकाज हो जाता है, डिस्टर्ब होता है, ज़्यादा धूप हो जाता है तभी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है, ठंडा का दिन आ जाता है तभी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है, नतीजा कि वह पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है और उसके पास उतना पैसा होता नहीं कि बड़े बड़े महंगे कोचिंग में पढ़ सकता है। तो यहाँ यह कर्तव्य बनता है यहाँ के नेताओं का, मंत्रियों का, सांसदों का, विधायकों का, खाली मोदी जी के, नीतीश जी के नाम पर वोट लेकर के जनता को बेवकूफ़ बनाने से नहीं होगा। अब यहाँ एक शिक्षा भवन का निर्माण करना होगा, जहाँ जिस शिक्षा भवन में बैठ के अंडा बेचने वाला का बेटा, भूजा बेचने वाला का बेटा, लोग खेत में मजदूरी करने वाला का बेटा, एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गांव गरीब गुरबा का बेटा भी आराम से 50 रुपये 100 रुपये का शुल्क दे करके उस शिक्षा भवन में एडमिशन ले सकता है और वहाँ 2 घंटा 4 घंटा बैठ के ग्रुप डिस्कशन कर सकता है और महंगा महंगा किताब जो होता है 50 रुपये का शुल्क देकर, मासिक शुल्क देकर के वहाँ 2 घंटा बैठ के पढ़ सकता है उस शिक्षा भवन के अंदर। और यह शिक्षा भवन का मांग का समर्थन करने के लिए हम जिलेवासी के हर लोगों से आग्रह करते हैं कि इस मांग का समर्थन करें और 9 अप्रैल को मोतिहारी के टाउन हॉल के फील्ड में पहुंचने का काम करें, क्योंकि अगर शिक्षा भवन बन जाएगा तो क्या कांग्रेस के